गोकर्ण में पहले दिन मैंने दर्शन लिए गणपति मंदिर और महाबलेश्वर मंदिर के। उसके बाद मेरा शाम तक पूरा दिन गया गोकर्ण की छोटी छोटी गलियां और मार्केट एक्सप्लोर करने में। ये जैसे ही शाम हो गई मैं गई गोकर्ण बीच में, जो महाबलेश्वर मंदिर के बगल में ही है। ये गोकर्ण वही बीच है जहाँ पे रावण संध्या वंदना करने के लिए रुका था, जो कहानी मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में बताई थी। महाबलेश्वर मंदिर के बगल में ही ये है गोकर्ण बीच। बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल ये बीच है, बहुत ही फेमस बीच है। और बहुत ही, अगर आप इसका पानी भी देखेंगे, बहुत ब्लूइश और बहुत क्लीन बीच है ये। और इसके साइड में आप देखेंगे, ये साइड में बहुत सारे मंदिर भी दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ से। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कैमल राइड भी होती है, तो कैमल राइड भी बहुत सारे लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो अभी मेरी शाम यहाँ पे ही मेरी गुजारने वाली हूँ, पूरी तरह मस्त सुकून में। शाम को, रात को मस्त पानी का, समुंदर का जो वेव्स है उसका आवाज़ सुनते सुनते अभी सीरीनिटी में मैं जाने वाली हूँ। टू ऑफ गोकर्ण। आज गोकर्ण में मेरा दूसरा दिन है। वैसे ट्रैवलिंग का मतलब, जब से हमने घूमना चालू किया है तब से ये मेरा तीसरा दिन है, मतलब आज मेरा पिकनिक का तीसरा दिन है और गोकर्ण में दूसरा। तो अभी आज का दिन है बीच डे का। आज हम जाएंगे बीचेस देखने, पर अभी बाहर धूप फिलहाल बहुत ही अभी से ज़्यादा लग रही है, इसलिए मैंने वो प्लान दोपहर का कर दिया है। दोपहर को थोड़ी धूप जब थोड़ी सी ढल जाएगी, सूरज ढल जाएगा, तो तभी हम जाएंगे बीचेस में। तो अभी टाइम हो गया है ब्रेकफास्ट का। सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, पर थोड़ा आज आराम किया, सब रिलैक्सिंग किया, क्योंकि थोड़ा बहुत रेस्ट लेना भी बहुत ज़रूरी रहता है, नहीं तो पूरा पिकनिक एग्जॉस्ट हो जाएगा। और अभी बज गए हैं 10 और अभी हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करने। तो चलिए ब्रेकफास्ट करने, तो जो यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर ही है वॉकिंग, तो चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। कल हमने ट्राई किया था मेदू वड़ा और इडली सांभर, आज हम खाएंगे मसाला डोसा विद गर्मा गर्म कॉफी। हाँ हाँ, ऐसा प्रॉब्लम है? नहीं नहीं सादा डोसा मले बटर दिल। अच्छा ओके ओके। गोकर्ण में टोटल टॉप 5 बीचेस है। गोकर्ण बीच जो हमने कल देखा, हाफ मून बीच, पैराडाइज बीच, ओम बीच और कुडले बीच। तो आइए चलिए देखते हैं गोकर्ण के ब्यूटीफुल बीचेस। इसी तरह हम ओम बीच में अभी पहुंच गए हैं।
नाम ही दर्शा रहा है कि ओम बीच का जो मतलब ये जो बीच है उसका शेप ओम के जैसा है, ओम के आकार का है, इसीलिए इसे ओम बीच कहा जाता है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल बीच है। चलो देखते हैं। फिर मज़ा लिया मैंने बोटिंग का। ओम बीच के बगल में ही हाफ मून बीच और पैराडाइज बीच है, पर ये दोनों बीचेस में जाने के लिए रास्ता नहीं है, या तो आपको ट्रैकिंग करके जाना पड़ता है या फिर बोट से। इसीलिए ओम बीच से आपको बोटिंग फैसिलिटी अवेलेबल है जो आपको चार पॉइंट्स घुमाती है, एक हाफ मून बीच, दूसरा पैराडाइज बीच, तीसरा लाइट हाउस और चौथी वो जगह जहाँ पे नदी और समुंदर का संगम होता है। हाफ एन आवर लगता है कहाँ से? ओम बीच से हाफ एन आवर लगता है। यह है संगम पॉइंट जहाँ पे अघनाशिनी नदी और समुन्दर का संगम होता है। बीचों बीच हम हैं। वाव। वेव्स के जैसे वेव्स जा रहे हैं वैसे घूम रहे और ये है वंडरफुल डॉल्फिन पॉइंट और लकीली हमें यहाँ पे डॉल्फिन्स भी दिखाई दिए। Thank you.
अभी जो मैंने बोटिंग का मजा लिया ना, इतना थ्रिलिंग था, मैं क्या बताऊँ, फुल टू मजा आ गया, फुल टू। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही क्लीन एंड नीट बीच है ये, और इतने सारे पॉइंट्स दिखा है। और मेन बात ये है कि आधा घंटा लिटरली यू आर इन द मिड्स ऑफ सी। बहुत ही मज़ा आया, ऐसा नहीं लगा कि अभी गए और अभी आए, मतलब पूरा टाइम मुझे ऐसा लगा कि यू नो फुल टू पैसा वसूल होगा अगर आप यहाँ पे आएंगे तो, बिकॉज 300 इज़ नथिंग फॉर पर पर्सन। बहुत सारे पॉइंट दिखा है, और मेन बात क्या मालूम है क्या, मुझे लगा नहीं था कि मुझे डॉल्फिन दिखेगा, पर मुझे थोड़ा डॉल्फिन दिखा, आपने वीडियो में देखा रहेगा। मैंने ऐसे 3-4 बार डॉल्फिन देखे, ऐसे जंप कर रहे थे, फुल टू मजा आ गया। फर्स्ट टाइम मैंने डॉल्फिन देखा समुंदर में। वन ऑफ द नेचुरल ब्यूटी सनसेट, मेरे पीछे देखिए सनसेट हो रहा है, सूरज ढल रहा है, और दिखने के लिए देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अभी जस्ट टच हो रहा है रॉक के ऊपर, और अभी जस्ट धीरे धीरे नीचे जाएगा, ब्यूटीफुल। ऐसा लग रहा है कि रॉक के ऊपर किसी ने ऐसा बॉल रख दिया हो, शाइनिंग वाला रेड बॉल, ऑरेंज। सूरज अभी ढल चुका है, और स्काई में देखिए कितने अलग अलग पिंक ऑरेंज शेड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। अभी का जो नज़ारा है वो सूरज ढलने के बाद का नज़ारा, इतना सुंदर क्लाइमेट हो चुका है ना अभी। और ये बीच है, मस्ट विजिट है, बहुत ही सुंदर क्लीन एंड नीट बीच है। और यहाँ पे बीचेस के बाजू में भी बहुत रिजॉर्ट्स है, अगर आपको रहना है तो जब भी चाहिए पानी में खेलने का मन करे, जब भी चाहिए वेव सुनने का मन करे तो आराम से बाहर आके सुन सकते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी को बीच के बगल में रहने का मन है तो यहाँ पे बहुत सारे रिजॉर्ट्स भी हैं। जब हमने बोट का फेरी लिया था तभी उसने बताया था कि इसके आगे जो पहला बीच है वो है हाफ मून बीच, वहाँ पे भी काफ़ी रिजॉर्ट्स है, वो भी आइसोलेटेड है, वहाँ पे रास्ता नहीं है जाने का। अगर वहाँ पे जाना है तो आप हाइकिंग करके जा सकते हो या फिर बोटिंग से जा सकते हो, जैसे मैं गई थी आज। तो सोचिए कि कितना पीसफुल और सीरीन रहेगा वहाँ पे रहना। अगर किसी को ऐसा कुछ बीच, आइसोलेटेड बीच का मजा उठाना है तो एक हाफ मून बीच है, और दूसरा बीच है पैराडाइज बीच, जो भी वो तो ज़्यादा ही आइसोलेटेड है, वहाँ पे रिजॉर्ट्स वगैरह कुछ नहीं है, खाली टेंटिंग की जाती है, कैंपिंग में मतलब टेंट में आपको सोना होता है, रिजॉर्ट है ही नहीं वहाँ पे। तो सोचिए फुल टू नेचुरल नेचर में रहने का मजा आप वहाँ पे ले सकते हो। इसी तरह मेरे ट्रिप का तीसरा दिन समुन्दर के किनारे पूरी तरह सीरिनिटी में बीत गया। आज मैंने यहाँ पे जो एक्सपीरियंस किया, इट वॉज अनबीटेबल।